कि कभी कम्युनिकेट प्रॉपरली नहीं किया जाता, बातें कर लें मसलों का बहुत हल निकल जाएगा। वक्त एक ब्रेक का हुआ, ब्रेक पर जा रहे, ब्रेक से वापस आते हैं डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। And welcome back to Zor Ka Jor World Cup 2023 special. It is England versus India, और इस वक्त जो है India looks in trouble because 50 runs तो बना लिए India की टीम ने, मगर 3 विकेटें गवा दी हैं। These 50 runs came in 15 overs. अभी 15वां over जारी है. So Team India is doing something very unlike what Team India did in this World Cup altogether. So एक different Team India और एक different Team England यहाँ पे दिख रही है, और जिस तरह मुकाबला हो रहा है, अब आएगा एक test कि कैसे जो लोअर मिडिल ऑर्डर है इंडिया का वो परफॉर्म करता है, बिकॉज अभी तक इस वर्ल्ड कप में वो एक्सपोज नहीं हुआ। सो टेस्ट तो वाकई लोअर मिडिल ऑर्डर का भरपूर आ जाएगा इंडिया का, एंड हार्दिक पांड्या रिमेंबर इज नॉट देयर। हाँ वो नहीं है बिल्कुल, लेकिन इस तरह की सिचुएशन में इंडिया कोई पहली दफा मैं और आप नहीं देख रहे। इससे पहले ऐसी सिचुएशन आई हुई है जिनके बाद मिडिल ऑर्डर उनको लेके चला जाता है। ठीक है, अभी केएल खेल रहा है, राहुल खेल रहा है, रोहित शर्मा, रोहित खेल रहा है, एक सीनियर, एक कप्तान है, दोनों सीनियर है, और केएल राहुल इस तरह की सिचुएशन में से इस वर्ल्ड कप में लेके गया है अपनी टीम को, तो बड़ी रिस्पांसिबिलिटी इनके ऊपर बनती है। पाकिस्तान के गेंदबाज भी 44/4 बिल्कुल ऐसी है। आज का पिच मुझे मजा आ रहा है देखने में, इसमें अर्ली और नया बॉल सीम स्विंग हुआ है, ठीक है। दूसरा ये कि अभी आदिल की मैं ओवर देख रहा हूँ, बॉल बड़ा जबरदस्त टर्न ले रहा है, और टर्न भी ले रहा है, बड़े प्लेयर खेल रहे हैं, लेकिन उस बॉलर का कॉन्फिडेंस चेक करें, वो खुल के गेंद कर रहा है पूरा जहां वो चाह रहा है। जब आप कॉन्फिडेंट फील करते हो तो जहां आप बॉल फेंकना चाहते हो वहां गिरता है, तो असल चीज बॉलिंग के अंदर कॉन्फिडेंस बहुत है। पिच के अंदर हेल्प मिल रही है स्पिनर को, उसको पता है लाइन ऑफ लेंथ उसने सीधी सीधी पकड़ी हुई है, ठीक है, ट्रैप किया हुआ है, उनको चांस लेने दे रहे हैं, इजी सिंगल नहीं जाने दे रहे, सर्कल के फील्डर बिल्कुल ऐसे मुंह पे खड़े हुए बैट्समैन हो गए, उन्हें कह रहे हैं कि भाई निकल के ही मार सकते हो, तुम्हारे सिंगल नहीं देंगे आराम से। तो जब इस जज्बे के साथ आप बॉलर बॉल कर रहा होता है ना, बॉलिंग भी इंजॉय कर रहा होता है, मजा भी आ रहा होता है, और जो रिस्पॉन्सिबिलिटी वो पूरी कर रहा होता है। इसी पिच पे वैसे तीसरा मैच हो रहा है, तो इस वजह से आपको जाहिर सी बात है ज्यादा वेयर एंड टेयर भी दिख रहा है, और जिस तरह स्पिनर्स को बिल्कुल मिल रही है अपॉर्चुनिटी। आप जी जी मुंशी भाई, एक तो ये भी ऐड कर दीजिएगा, ये भी जो कैप्टेंसी बटलर की जानिब से की जा रही है, हमने ये देखा है कि हमारे यहाँ क्या होता है कि एक बॉलर अच्छा स्पेल कर रहे हैं, 2 से 3 ओवर के बाद हटा देते हैं, फोक्स के 7 ओवर करवाएं, तो ये भी एक आपकी ब्रेवरी नजर आती है इस बात में। आई थिंक उनको अब थोड़ा सा अंदाजा है कि यहाँ पे विकेट ही हमें जितवाएंगी मैच, हम ये ऐसे नहीं जीत सकते, तो उनको देख रहा था कि उसका जो वॉक्स था वो दोनों उसका स्विंग हो रहा था, सीम हो रहा था, तो ही वॉज चैलेंजिंग द अदर इंडियन के बैट्समैनों की टेक्निक को चैलेंज कर रहा था, तो उस पर उनको 2-3 विकेटें मिली हैं, और इसी वजह से मिली हैं कि उसने उसको कंटिन्यू रखा, उसके प्रेशर बिल्टअप करने से विकेटें मिल गई उनको। अब ये जैसे शाहिद ने बात की, आदिल रशीद की बात की, जिस तरह के एल राहुल है, ये अब क्या करेगा? राहुल सही बोला आपने, मैं वेरी गुड ऑब्जर्वेशन, पता है पूछे क्यों? क्योंकि आप शायद बोल रहा था मैं याद कर रहा हूँ, मैं यार मुश्ताक के एल अगर सही प्रोनाउंसिएशन होगी ना तो राहुल भी हो जाएगा। राहुल तो खुदा फिल्म बनते थे, मुशी भाई जवानी का दौर था, मुशी भाई को राहुल ही होते थे, विजय होते थे, लाला ये बचपन का दौर होता है, जवानी कैसे होती है, इंतहा हो गई इंतजार की। याद ने बड़ा सुनाई है मुझसे गाना ये। तो अब ये जो उसकी टेक्निक है ना, अब आप देखिएगा ये हमारी क्रिकेट जो सेंसेस है जो हमने देखी है, जो उसकी टेक्निक है वो बैकफुट पे खेलता है। आदर्श ही जिस तरह की टारगेट पे बॉलिंग कर रहा है, जैसे फुलर बॉल कर रहा है, मुझे बहुत डर है और मुझे तकरीबन कॉन्फिडेंट भी हूँ, ये चांस के एल राहुल के खिलाफ जरूर आउट करने का चांस होगा, क्योंकि वो बैकफुट पे स्पिनरों को खेलता है, और जिस तरह की आदर्श ही की बॉलिंग है मुझे लगता है कि उसने उसको ले जाना है। ओहो बाबा जी का आ गया ये फैसला, और बाबा जी ने कह दिया के एल राहुल गलती में वो उस मुश्किल में है। यहाँ आपको पता है कि कंटिन्यूटी है एक, कि जब मुशी भाई कहते हैं कि अब ये मुझे लग रहा है कि ये आउट होने वाला है, एंड वो आउट हो जाता है, ये सिर्फ पाकिस्तान के खिलाफ नहीं, नहीं, ना, नहीं, नहीं। अगर आपको कोई वैसे मैं एक बात बता दूं, उन्होंने सीरीज और अदर टेक, मैं ना उस वक्त से 5-10 मिनट से ना मैं अपने आप में थोड़ा सा आज डाउन फील कर रहा हूँ, आते ही शायद ने अपने जखीरा अल्फाज से मुझे गीतों से लिया है अपना बहुत अच्छा, क्योंकि शायरी तो मेरा डोमेन है, मगर उसने आके मुझे अटैक किया और बहुत अच्छा किया और खूबसूरत तरीके से मुझे डाउन किया। इधर से मैं जब लेफ्ट पे जब भी मेरी नजर पड़ती है पीजे भाई के सामने, मैं जराबों से लेके इवन घड़ी के वो स्ट्रैप जो है वो देखता हूँ, तो मुझे लगता है
दिया कि ना मैं सही वेस्टकोट पहन के आऊँ ना मैंने सही कपड़े पहने हैं, तो मुझे डाउन कर दिया दोनों मेरे हरीफों ने, मेरे हमसायों ने, दोनों ने मुझे आज अंडर प्रेशर कर दिया। आज मैं आपके कपड़ों से नहीं, आपकी घड़ी के स्ट्रैप से भी मैं इंप्रेस हो गया हूँ। और आई थिंक ये कलरफुल लाइफ, इसका मतलब क्या है? लास्ट थिंग, इसका मतलब क्या है? उम्र का कोई चक्कर नहीं होता, दिल जिंदा होना चाहिए। और आप बहुत अच्छे लग रहे हैं, बड़ा अच्छा कलर कॉम्बिनेशन है, कंट्रास्ट बहुत अच्छा जा रहा है। मैं हकीकत बता रहा हूं, मैं शाहिद से आते ही पूछा है, शाहिद ने पास कर दिया ना तो मैं खुश हो गया हूं बस। यू लुकिंग नाइस, थैंक यू। अच्छा मैं पीजी भाई से एक सवाल करना चाह रहा हूं। पीजी भाई, थोड़ा सा आप अपने दौर के मैनेजमेंट के हवाले से बताएं कि ड्रेसिंग रूम के अंदर प्लेयर कितने होते थे और टीम मैनेजमेंट जो होती थी कितनी होती थी, कितना किसका कितना रोल इंपॉर्टेंट होता था, इतने बड़े-बड़े प्लेयर्स को हैंडल करते थे। देखो 78 में जब इंग्लैंड आई थी, तो मैं आपको बड़ा ये रियल टाइम बता रहा हूँ, तो मैं कदाफी स्टेडियम के बाहर था, वो टेस्ट मैच हो रहा था, तो मुझे चौधरी मोहम्मद हुसैन थे प्रेसिडेंट बोर्ड के, तो उसने कहा पीजे एग्जैक्ट वर्ड, तू नहीं खेल रहा? मैं कह जी नहीं, नो नो तू कल खेल रहे हैं, इस तरह मैं अगले दिन इंग्लैंड के खिलाफ 78 में साहिवाल खेला। ठीक है, उसके बाद जब मैं वापस आया, टू हिज क्वेश्चन, आप मैं सब दोस्त थे बोर्ड के अंदर, हर चीज बोर्ड का पता नहीं लगता था कि बोर्ड क्या है, मैनेजमेंट का पता नहीं लगता था, क्योंकि उससे पहले पैकर के वो एक हो गई थी, रिवोल्ट हो गया था हैदराबाद में, वहां से डिसमेंबर हो गए, फिर वो कारदार साहब के साथ वो बड़ी हुलगी की तलखियां। तो मैंने हमेशा बोर्ड को देखा है, ये ट्रुथलेस है बोर्ड, एब्सोल्युटली विद द ग्रेटेस्ट ऑफ रिस्पेक्ट यूजलेस है बोर्ड, बिकॉज इनके अंदर सही लोग लाते नहीं है, सिफारशी लाते हैं अंदर। और मैंने तो अभी जका अशरफ को बुलाया घर पे, मैंने कहा था, मिनिस्टर भी था साथ में, पब्लिकली कह रहा हूँ, मैंने कहा जी हमने एक बोर्ड चलाना है तो आगे उन लोगों को लेके आए जो कि डिलीवर कर सके, जो कि लंबा सोचे, ये नहीं कि मैंने अपना बंदा लाना है, अपना बंदा, या वी डोंट नीड दैट, पाकिस्तान डज नीड इट। आज ये जो सारे क्रिकेटर्स हैं ये बाहर जाके काम कर रहे हैं, मैं तो पहले तो उसको पकड़ लूंगा, मुश्ताक को, प्लीज कम एंड यू नो गेट माय क्रिकेट राइट, शायद को पकड़ूंगा, सबको। हम ये क्यों नहीं करते, व्हाई? और जब हम बात करते हैं, हमारा एक लैंग्वेज का डिफरेंस भी है, वो बॉब का देखा नहीं था अंग्रेजी, वो बेचारा बड़ा अच्छा आदमी था, वो लवली मैन, बट अंग्रेजी का एक प्रॉब्लम होता है, कई नहीं समझते, मुश्किल होता है। तो ये जो चीजें हैं ये हमारे लड़के खुद इनको गाइड कर सकते हैं, क्योंकि वो उसी तालाब से निकले हुए, बाहर वाले तालाब से लेके आओगे उसको क्या पता कि पानी कितना गहरा है जी। तो ये जो सारी चीजें हैं इसको मैनेजमेंट में कहता हूँ। फिर क्या होता है अगर आप नहीं करते ना ऊपर, फिर प्लेयर्स के अंदर एक राइवलरी हो जाती है, और ये राइवलरी मैंने 93 में देखी, मैं गया था उधर एंटीगा, वो लड़के कुछ हो गए थे इंसिडेंट ग्रेनाडा में, तो आई फ्लू फ्रॉम लंडन टू एंटीगा, तो खालिद महमूद थे मैनेजर जी। मैं कहा खालिद साहब खुदा के लिए कोई स्टेटमेंट ना दें, मैं नाम नहीं लूंगा, दो लड़कों ने 10,000 पाउंड की अपनी स्टोरी सन को बेच दी। मैं कहा यार ये क्या कर रहे हैं, इधर हम बचाने आए हैं, इधर आप ये कर रहे हैं, और अंदर क्या हो रहा है? राशिद लतीफ साहब ने चपेट मार दी उसको, मियादाद को, मियादाद बेचारा बाहर बैठा है, मुझे अफसोस हुआ, अ ग्रेट पे गया, अच्छा ड्रेसिंग रूम में लड़ाई होगी इधर 93 की बात जी, एंटीगा रियली यस आई वाज देयर आई डिडंट नो दिस। हां अंदर अंदर हुआ है, अच्छा। मैं लुदर कहने लगा, मैं मुदसर मुदसर और मैं अंबार बाहर बैठे, मैं कह यार ये क्यों हो रहा है, हां खुदा के साथ वो कमांडर भी आया था, यू रिमेंबर, एक कमांडर था अरशद, कमांडर अरशद बाहर थे, वो उधर वसीम ने कहा कमांडर अरशद अब तुम पवेलियन में नहीं आ सकते यार, वहाँ एटमोसफेयर इतना गंदा हो गया था। तो आई टोल्ड जावेद में कि जावेद छोड़ दे ना कर, ये चीजें चलती रहती हैं, फॉरगेट इट, डोंट डू इट। तो ये जब आप एक एटमोसफेयर लेते हैं तो क्रिकेट क्या खेलोगे आप, मुझे बता दो क्या खेलोगे। तो ये जो चीजें होती हैं ये उसी वक्त ठीक होंगी जब आपका बोर्ड मैनेज सही तरह कर रहा होगा, आपने लोग सही लगाए होंगे और आपके डिफरेंस ऑफ ओपिनियन नहीं होगा, वरना प्लेयर पार तो प्लेयर पार है। ये तो हमने इंग्लैंड में भी देखा, वेस्ट इंडीज में भी देखा, ऑस्ट्रेलिया में भी देखा, प्लेयर पार हो जाती है। नहीं बट प्लेयर पावर, जब आप कह रहे हैं प्लेयर पावर है, मैं इंग्लैंड की आपने बात की, केविन पीटरसन से बड़ा प्लेयर नहीं था कोई, मगर जिस दिन इंग्लैंड ECB ने ये चीज डिसाइड की कि नो He is not bigger than the game. They said, thank you very much. Yes, that, लेकिन ये decision वो ही ले सकते हैं, हम नहीं ले सकते, हम डरते हैं।
हम जाते हैं लोग क्या कहेंगे, इसलिए कि हम जिस डिसीजन पे हैं वही ठीक नहीं था। Exactly. हमें प्राइम मिनिस्टर सेलेक्ट करता है, यही हमारी पहला स्टेप ही गलत था ना। हमें प्राइम मिनिस्टर किस चक्कर में सेलेक्ट करता है? शहबाज शरीफ साहब से उस दिन मैं गया भी था मिलने, पहली की बात है जब प्राइम मिनिस्टर बने थे, मियां साहब किसी और काम से गए थे, मैंने मियां साहब को मना किया था, मैंने कहा आपका रोल नहीं होना चाहिए, मैंने कहा वज़ीर-ए-आज़म का क्या रोल है कि वो चेयरमैन सेलेक्ट करते हैं, मैंने कहा इस तरह वज़ीर-ए-आज़म बदलते रहेंगे, चेयरमैन बदलते रहेंगे, सिस्टम इधर उधर होता रहेगा, प्रॉपर बोर्ड होना चाहिए, रोड के थ्रू हर एक बंदे का टेन्योर जो है वो 3 साल का होना चाहिए। चेयरमैन का काम वैसे होता क्या है? चेयरमैन का तो काम होता ही नहीं है टीम के साथ सिलेक्शनों के साथ, उसका काम नहीं है। चेयरमैन का काम है दूसरे ग्लोबली जितने भी बोर्ड्स हैं उनके चेयरमैन के साथ अच्छे ताल्लुकात, अच्छी अंडरस्टैंडिंग, बैकडोर पॉलिसीज बनाना, सारी पॉलिसीज वही बनाता है, दोस्तियां सारे बोर्ड से करना। अब चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान ने होस्ट करनी है, अब हमें उस तरफ हमारा को फोकस नहीं है अभी तो हमारा चैंपियंस ट्रॉफी, बट लाला बिल्कुल वो जो बने थे तो रमीज राजा थे, रमीज भाई थे उस वक्त चेयरमैन, तो मैंने कहा ना चेंज करें रमीज भाई को उनकी टीम में, इसलिए उनके टाइम में चीजें ठीक चल रही थी, मुझे ठीक फील हो रही थी, टीम जीत भी रही थी, तो मैंने कहा इनको ना चेंज कीजिएगा, वो फिर किसी और का प्लान था उनका, लेकिन मैंने कहा ना चेंज करें, अपने पॉलिटिक्स के साथ इसको ना मिलाए, ठीक है पीटीआई लेके आए पीटीआई के टाइम में, मैंने कहा पॉलिटिक्स के साथ इस चीज को ना मिलाए, प्लीज ना छेड़िएगा इनको, बट वो भी तो पॉलिटिक्स से ही आए थे। पर यही तो शायद का पॉइंट है, मेरा कहने का मतलब यही पॉइंट है, सियासत क्यों आ जाती है, अगर वो पॉलिटिकली आया है तो इसका मतलब वो भी नहीं ठीक, अगर वो ठीक हो गया है तो उसको कंटिन्यू करने दो, इस मतलब बहुत अच्छी बात की है शायद ने, और ये आई थिंक सबसे बड़ी बात पता क्या है, पॉलिटिकली जैसे ही सिनेरियो चेंज होता है ना, कोई भी चेयरमैन आता है वो पता क्या करता है, वो अपना पूरी टीम अपने साथ लेके आता है, लाइकिंग एंड डिसलाइकिंग पे आता है। मुझे राइट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन चेंज करना किसके पास होता है? चेयरमैन के पास होता है, चेयरमैन जो है वो सामने रखता है, जिस तरह नजम सेठी ने 2014 का कॉन्स्टिट्यूशन चेंज किया, क्या कभी भी किसी चेयरमैन ने ये सोचा कि चलो मैं एक रास्ते से आ गया विच वॉज रॉन्ग, पेट्रन इन चीफ वाले रास्ते से आ गया, अब इस रास्ते को बंद कर दो, इन कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज ले आओ कि नहीं जी पेट्रन इन चीफ हैज नथिंग टू डू विद द सिलेक्शन ऑफ अ चेयरमैन। देखे आपने बात की है ना, the prime minister should not be the patron of the cricket board, it is always the president, because the president is a neutral person technically, so he aur hamara hamesha president rahe lekin humne prime minister ko bana diya, kyun every head of the state jab president system tha to us waqt patron in chief president ho gaye the, jis waqt zardari saab the, hum kya karte hain, hum hai masters and chamche ji sir aap ban jaye, वो कहते हैं चलो जी मैंने बनाते हो शाह से बढ़ के शाह के बाद शाह से बड़ा ये ना। अब आपने इन्होंने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की चैंपियंस ट्रॉफी, और हमने वर्ल्ड कप की तैयारी नहीं की तो चैंपियंस ट्रॉफी क्या करेंगे नहीं, और चैंपियंस ट्रॉफी बाकी 2025 है तो दूर, मगर सोचना जरूरी है कि इतना दूर नहीं है, क्या इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पास है, क्या हॉस्पिटैलिटी उस हिसाब से है, कैन वी होस्ट सच बिग इवेंट, ये एक सबसे बड़ा सवाल है, मगर ऑब्वियसली वक्त यहाँ पे खत्म हो गया है, 5 बजे हमें फिर से हम ज्वाइन इन करेंगे, बहुत सारी डिस्कशन है, बहुत सारी चीजें सही करनी है, बट सही करने के साथ साथ यस इंतजार भी करना है कि बाकी टीम्स क्या करेंगे, बिकॉज वर्ल्ड कप इस वक्त जारी है एंड सब इक्वेशंस बना के बैठे हुए हैं, 5 बजे जब हम शो में आएंगे तो उन इक्वेशंस पे भी बात करेंगे कि क्या करना पड़ेगा दूसरी टीम्स को पाकिस्तान के लिए कि पाकिस्तान से भी फाइनल खेल सके। विद दैट आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह।